महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेता, मंत्री, विपक्ष के नेता अपनी कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही इस बार चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत होने का दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अलग अलग मुद्दों को लेकर एमकेएन न्यूज से बातचीत की। सुनिए नाना पटोले एमकेएन न्यूज से खास बातचीत। कोई सरप्राइज नहीं है और आपने देखा होगा, जब भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपसे जब भी हमारी चर्चा हुई, तो मैं तभी कहता था, 3 साल पहले कहता था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बने, क्योंकि ये सरप्राइज का इश्यू नहीं है। जब भी देश के ऊपर संकट आता है, जब भी कोई तकलीफ आती है, तो महाराष्ट्र का कांग्रेस उसी साथ यूनिटी के साथ खड़ा होता है, यही बात हमें बताती है। और वैसे ही महाराष्ट्र ये सेकुलर विचारधारा का हमेशा रहा है। यहाँ पर शौकुल अंबेडकर की विचारधारा बहुत मजबूत है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा मजबूत है, और तब ये विचारधारा को जब कोई मुसीबत लाए, वो खत्म करना चाहे, तब महाराष्ट्र यूनाइटेड होता ही है। तो हमें सरप्राइज नहीं, हमें पता था कि महाराष्ट्र सबसे बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी, महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, तो हमारे लिए सरप्राइज नहीं था। और जो वो भी हमारी 2 सीटें कम, उन्नाव और अकोला की 2 सीटें जो हमें उम्मीद थी, वो हमारी 2 सीटें कम हुई। तो 100% रिजल्ट महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिला है कि इस पार्टी ने इस देश पे जनता के आशीर्वाद के भरोसे कई साल ये पार्टी सत्ता में रही, लेकिन ये पार्टी ने कभी भी, ये पार्टी ने कहीं पे भी हमेशा इस देश के अपने अलायंस के सामने हो, इस देश की जनता के सामने हो, हमेशा झुक के इन्हें लोगों के सामने गए। आपको कल का ही एक ताजा उदाहरण आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी जी 4 तारीख को शाम को आने वाले थे कोल्हापुर, उनकी फ्लाइट की मिस्टेक के वजह से वो समय पे उनका आना नहीं, वो दूसरे दिन आए, लेकिन जब वो सभा के सामने गए, लोगों के सामने गए, तो पहले ही बोलते समय में उन्होंने यही कहा कि मैं आप लोगों से मैं जाहिर माफी मांगता। तो ये शालीनता है, ये मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की परंपरा है, रही है हमारे अलायंस को हम साथ में लेके चलना, ये हमारा दायित्व है, छोटा और बड़ा नहीं, जो भी स्थिति हो, हमारा मकसद एक ही है कि जो महाराष्ट्र में जो बैठी हुई सत्ता में लोग जो है, जो महाराष्ट्र द्रोही है, शिव द्रोही है, महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का काम और जो लोग कर रहे हैं, हमारा मकसद एक ही है कांग्रेस का कि महाराष्ट्र को बचाना, महाराष्ट्र की जो परंपरा है शौकुले अंबेडकर वो उसको बचाना, ये हमारा महाराष्ट्र का और विशेष करके कांग्रेस का दायित्व है, और उसी आधार पर कांग्रेस अलायंस में भी बात है। आपको याद होगा कि बीच में बुलडाना में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां दबे, तो उनके जो थाफा चलता है उसमें किसान लोग घुस, और किसानों ने उनके सामने एप्लीकेशन दी, और वो एप्लीकेशन जो दी थी उसके ऊपर जो साइन किया गया था वो खुद के खून जो निकाल कर उन लोगों ने साइन किया। अब वो ये सरकार है, लोगों ने ये शुरुआत दिखाई कि लोगों को ये सरकार के बारे में गुस्सा कितना है, जब इलेक्शन के मोड़ में जब ये आएंगे और इलेक्शन जब शुरू होगा तो इनकी क्या हालत होने वाली है उसका अंदाजा बुलाने के इससे आपको समझ में आता है। अभी ये सरकार क्या करती है कि कोई भी जिले में इनको जाना है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, फडणवीस को, तो वहां जाके जो लोग एजुकेशन करते हैं, लीडरशिप करते हैं, किसानों की करते हो गए, युवाओं की करते हो, तो उन लोगों को नजर कैद कर डालते हैं, पुलिस जिस में बिठा देते हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद नहीं कर सकेंगे ना। आचार संहिता के बाद तो उनको नजर कैद तो करने का इनका कोई अधिकार भी नहीं रहता, तब आचार संहिता में क्या इनकी हालत होने वाली इनको समझ में नहीं आ। आज पब्लिक का गुस्सा जो इनके प्रति है वो आपको, हमें तो, हम जमीन में काम करने वाले लोग हैं, हमें उसका अंदाज है,
ये सरकार को घूमने भी नहीं देंगे महाराष्ट्र के लोग, ये परिस्थिति उनकी बनी हुई है। महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी, यहाँ की जनता की प्रॉपर्टी बेचने का हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया, लेकिन राज्य में जो सरकार बैठी है, असंवैधानिक सरकार जो है एकनाथ शिंदे की और बीजेपी प्रणीत सरकार जो है, वो सरकार ने ये मानस बना लिया कि हम ही मालक और हम जो करेंगे वो सब सही रहेगा, ये सोच आज की सरकार की है। ये हमारी सोच है कि हम 5 साल के ट्रस्टी है, हम जनता के नौकर हैं और जनता के एक एक पैसे का हिसाब हमारे राज्य की जनता को हमें देना है, और इसलिए इस तरह की जो प्रॉपर्टियां एक बड़े उद्योगपति को, अदानी को देखकर इस तरह से सरकार जो महाराष्ट्र की बुरी हालत बना रही है उसको बचाना हमारा दायित्व जाता है, और इसलिए जो निर्णय ये सरकार ने लिए हैं वो सरकार के निर्णय को रिव्यू किया जाएगा, और ये जो राज्य के जनता के अहित वाले हैं वो सब निर्णय को रोका जाएगा।